टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बुधवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी अपडेट की है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ ने कहा, हमारी मेडिकल टीम उनकी पूरी तरह से देखरेख कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए वो अभी तक प्लेइंग 11 से बाहर नहीं हुए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया है कि कप्तान रोहित शर्मा एस्बेस्टन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। वही जसप्रीत बुमराह उस टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी करते दिख सकते हैं। बाबर आजम सबसे ज्यादा दिनों तक शीर्ष पर रहने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के 1013 दिनों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगस्त 2018 में यूरोप में चौथे स्थान पर रहने के बाद डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा पहली बार भागीदारी करेंगे। 2018 में उन्होंने 85.73 मीटर तक का भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा बृहस्पतिवार को यहाँ डायमंड लीग में अपना पहला पदक जीतने के लिए उतरेंगे। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के थानासी कोकिनाकिस को 6-1, 6-4, 6-2 से हरा दिया। 6 बार के विंबलडन विजेता जोकोविच को जीतने में महज 2 घंटे लगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के बाद 7 जुलाई से T20 सीरीज खेली जाएगी। विराट कोहली, ऋषभ पंत और बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ी पहले T20 मुकाबले में नहीं खेलेंगे। सभी सीनियर खिलाड़ी दूसरे मुकाबले में शामिल होंगे। भारत की शटलर पीवी सिंधु ने थाईलैंड की वर्ल्ड नंबर 10 खिलाड़ी पॉर्न पावी चोचुवोंग को हरा दिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने कुआलालंपुर में बुधवार को मलेशिया ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में अपना स्थान पक्का कर लिया। दूसरी ओर भारत की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। साइना इस हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विंबलडन ओपन के पहले दौर से ही बाहर हो गई है। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी अमेरिका की इस खिलाड़ी को फ्रांस की हारमोनी टेन ने 3 सेटों तक चले मुकाबले में हरा दिया। ब्रॉक लेसनर और रोबन रेंस समर स्लैम में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में दिखेंगे, लेकिन इस मैच से पहले ब्रॉक रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड में भी नजर आएंगे। लेसनर को 22 और 29 जुलाई को बोस्टन और अटलांटा में होने वाले WWE स्मैकडाउन के 2 आगामी एपिसोड विज्ञापित किया गया है। इसके अलावा लेसनर को 11 जुलाई को सैन एंटोनियो में मंडे नाइट रॉ के आगामी एपिसोड के लिए भी विज्ञापित किया गया है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर का नाम क्या है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।